हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले के मेरे वीडियोस देखे हुए हैं या फिर कई लोग जो एप्लीकेशन पे हैं वहाँ पे भी बहुत सारे ये डाउट्स आ रहे हैं। जिन्होंने कोर्स परचेज भी किया उन लोगों के पास भी इस तरह के डाउट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है, मैं सभी को ये कहता आया हूँ कि जितने भी लोग अगर रेलवे की किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो एलपी का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, चाहे फिर एनटीपीसी का हो गया, उसमें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान देना है वो प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के ध्यान देना है। तो लोग क्या है कि जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं और सिलेबस को तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा गलत स्ट्रेटजी है। हालांकि इसमें भी सिलेक्शन होता है, ऐसा बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अगर उस तरह से आप शुरू कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप कम टाइम में या फिर सेलेक्टिव जो स्टडी होती है, किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है, या फिर किसी भी टॉपिक में हमें कितना डीप तक जाना है, इसका नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो मार्केट में कोई भी, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का पब्लिकेशन का बुक आप ले सकते हैं रेलवे से रिलेटेड, या फिर अगर आप चाहते हैं कोई बुक भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको एलपी से रिलेटेड जो 2018 में पेपर हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ उसका मिल जाएगा, या फिर अब एनटीपीसी के पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो उसमें हालांकि सिर्फ आंसर की दी रहेगी, सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और जिन लोगों ने सिलेबस को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए तो सिर्फ पेपर ही अगर आपको मिल जाता है तो आप उसमें से क्वेश्चन देख लेंगे और आंसर आपको उसमें दिया रहता है, तो आप वो लोग सर्च भी कर लेते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको लिख भी लेते हैं, तो उनको कोई बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले क्या है कि आपके पास प्रीवियस ईयर का जो बुक है वो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप मार्केट में कहीं भी लेना चाहते हैं, चाहे यूथ का ले लीजिए, करंट पब्लिकेशन का ले लीजिए, रुक्मणी का ले लीजिए, बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। मेरे पास भी तीन बुक है यहाँ पे, देखिए मेरे पास एक किरण का बुक है, यहाँ पे 30 सेट है इसमें अवेलेबल है, तो आप इसका भी चाहे तो बुक ले सकते हैं। चाहे देखिए, अगर आप ये ऑनलाइन लेंगे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, अगर आप नज़दीकी शॉप आपके पास है तो आप जा करके वहाँ पे पता करिएगा तो ये आपको पेपर मिल जाएगा, 30 सेट इसमें रहेगा आपका, जो एलपी में जो आया हुआ CBT 1 का पेपर है इसमें अवेलेबल आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको तीनों सेट यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है कि पहले सबसे पहले आप एक सेट लीजिए जिसमें आपको 30 पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसके तीन बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, आप 30 30 सेट करके इसमें दिया हुआ है, तो आप एक सेट पहले लीजिए और इसमें से 30 जितने भी पेपर हैं उसको आप सॉल्व करिए। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सी बुक है, आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है। जो भी मैं वीकली स्टडी प्लान बताता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक वीक में अगर आप 2 ही सेट अगर आप कर रहे हैं तो भी सफिशियंट है, आप एक महीने में आप देखिए 10 से 12 सेट कर ले जाएंगे। लेकिन जो लोग थोड़ा सा सीरियस है, मुझे नहीं लगता वो 2 सेट में ही मानते होंगे, एक वीक में वो लोग 3 सेट 4 सेट कर लेते हैं। अब ये देखिए, इस प्रीवियस ईयर का जो कोई भी अगर आप सेट कर रहे हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसको करने का तरीका क्या होता है? कई लोग कहते हैं मुझे बहुत टाइम लग जाता है। अब बहुत टाइम कैसे लग जाएगा, जब आप एक एक क्वेश्चन देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन देखते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, तो इसमें आपका टाइम बिल्कुल लगेगा। कभी भी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर का जो पेपर आप कर रहे हैं, तो जब भी आप पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं तो जो क्वेश्चन आपको लगता है थोड़ा सा लेंदी है, नया ट्रिक है इसमें, तो उसको सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन देखते ही हो जा रहा है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उस समय के करंट अफेयर से आए हुए क्वेश्चन को बिल्कुल आप वो वहाँ पे स्किप कर देना है। साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आते होंगे तो उसको भी देखना, पढ़ना है, स्किप कर देना है। तो टोटल अगर आप देखिए CBT 1 में जो 75 क्वेश्चन होते हैं उसको एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए कह दिया जाए पेपर को पूरा, तो आपको मुश्किल से मुझे लगता है 15 से 20 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर 15 से 20 मिनट में आप कम से कम उस पेपर में 75 क्वेश्चन में से, आप हो सकता है अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है उसमें आपको 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, कुछ अगर आपने पेपर पहले से दिया है, कुछ पढ़ा है आपने, तो हो सकता है कि 15 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको टफ लगे, और बहुत सारे लोग जो अच्छे से तैयारी कर चुके हैं उनको हो सकता है कि 10 15 क्वेश्चन ये लगे उनको कि एक बार लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको क्वेश्चन लग रहा है कि आपको लगाना चाहिए सिर्फ उसको लगाइए, जिससे आपको क्या होगा कि विद इन 1 आवर मतलब 1 घंटे के अंदर आपका पेपर वो हो भी जाएगा और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको लिख भी पाएंगे उतने कम समय में। तो जब भी आप पेपर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसका आपको ध्यान देना है कि आपको कैसे करना है। एक एक क्वेश्चन को आप बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको हो भी जा रहा है उसमें भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, बाकी और कुछ आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि कई लोग जैसे पिछले साल के प्रीवियस ईयर के पेपर करते हैं और उसमें उनके जो मार्क्स आते हैं
जैसे आप किसी भी मॉक टेस्ट को दे रहे होंगे जिसमें CBT 1 के 2018 के पेपर होंगे और उसको ऑनलाइन मॉक के माध्यम से आप उसमें टेस्ट दे रहे होंगे, तो कई लोग कहते हैं कि हमको मैसेज करते हैं कि उसमें सर मेरा 40 नंबर बनता है, 45 बनता है, तो अब मैं क्या करूँ, क्या इतने से क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो 40 नंबर 45 नंबर आपके बन रहे हैं तो उसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहले कि आप उसमें उस समय के जो पूछे गए करंट अफेयर्स हैं आप उसको बिल्कुल टच नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि उसमें का जो भी करंट अफेयर आया है वो पूरा 100% आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर एक दो क्वेश्चन आपके नॉलेज में है तो वो कर पा रहे होंगे। तो आप सोचिए कि 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है। आप करंट अफेयर आज का पढ़ रहे हैं और उस समय के करंट अफेयर से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका उतना क्वेश्चन तो छूटेगा ही छूटेगा। तो अगर आपके 40 नंबर प्लस बन रहे हैं, 45 बन रहा है, तो आप समझिए कि आप 4-5 नंबर और अधिक कर पाएंगे जब आप करंट के पेपर से आपको मतलब पेपर देना होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो आपका नंबर अच्छा है, और कोशिश करिए कि इसको कम से कम, अगर 75 नंबर का पेपर है तो आप 50+ नंबर लाने की कोशिश करिए। पिछली बार जितनी वैकेंसी थी अगर उतनी ही वैकेंसी अगर इस बार आती है तब भी कंपटीशन ज़्यादा ही होगा और पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि रेलवे जो है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी के पेपर में या फिर NTPC के पेपर में या फिर ALP के पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखती है, सिलेबस का थोड़ा सा चेंज रहता है। जैसे ग्रुप डी के पेपर में उतना ज़्यादा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस नहीं रहता है, तो जो ALP के पेपर में होता है, जो CBT 2 में होता है, उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पोर्शन रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, उसमें न्यूमेरिकल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो उतने का ही बस जो डिफरेंस है, बाकी बेसिक जो मैथ्स है, रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, साइंस के कुछ क्वेश्चन हो गए, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, कोई क्वेश्चन का लेवल नहीं उसमें देखा जाता है। आजकल तो देखा जा रहा है कि NCERT को इतना ज़्यादा अच्छे से पूछा जा रहा है कि आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि किसी का NCERT का नोट्स मुझे मिल जाए, तो दूसरे के नोट से अगर पढ़ना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है। पिछले 10 महीने पहले मैंने देखा था यूट्यूब 25,000 30,000 1 लाख 1.5 लाख जैसे 2.5 लाख जैसे वैकेंसी आ रही हैं, और ये वीडियोस मैंने 10 महीने पहले देखा था, और सोचिए 10 महीने बीत गया और वो लोग कहते थे 2 महीने 4 महीने बाद आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, इस तरह की PDF मार्केट में घूमती रहेंगी और गुमराह होते रहेंगे और आपकी तैयारी बेकार जाती रहेगी। तो मुझे यही कहना है कि जो लोग अगर तैयारी के लिए सीरियस हैं तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर एक जगह लिख कर रख के और किताबें खरीद लीजिए जितना ज़रूरत की है, बस अपना लग जाइए पढ़ाई में। किसी भी अदर कोई भी नोटिफिकेशन इस तरह के पेपर कटिंग और इसके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आपका वो दिन भी जाता है, डिस्कशन में भी टाइम जाता है, और इस तरह से आपका टाइम बर्बाद होता है। तो जैसे द स्टूडेंट पे वीकली प्लान है, वो मैंने 16 वीक का पहले डाला हुआ था, तो वो उनको फॉलो किया था उन लोगों ने, तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। और जो अभी जो करंट में चल रहा है, करीब 9th वीक का स्टडी प्लान अपलोड होने वाला है एप्लीकेशन पे, बाकी कुछ 3-4 वीक का स्टडी प्लान मैंने अब यूट्यूब पे भी अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो गाइडेंस आपके लिए बेहतर है तो आप एप्लीकेशन पे भी जा करके जुड़ सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपने पहले से पेपर दिया हुआ है रेलवे का तो आपको कोई ज़रूरत नहीं लगती है, तो आप बिल्कुल भी उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिगनर हैं उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्लेटफॉर्म पे आप आकर के गाइडेंस लीजिए। किसी भी अदर का अगर आपने बैच लिया हुआ है तो बेहतर है, आपको ये गाइडेंस की ज़रूरत है, आपका सिलेक्शन ही लेना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको आप ध्यान में रख करके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले जो लोग बिगनर हैं आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और वैसे बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे ही जब आप तैयारी करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, आपको आइडिया नहीं पड़ेगा पड़ेगा। कोई भी टीचर अगर आप मान लीजिए यूट्यूब पे भी या फिर किसी का कोर्स आपने लिया हुआ है वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन होता है कि बहुत डीप में भी पढ़ाते हैं वो लोग, SSC लेवल के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको आइडिया नहीं लगता है कि क्या ये मेरे रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो जब आप कम से कम 10-12 पेपर देखे रहेंगे प्रीवियस ईयर का, तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया या फिर बहुत ज़्यादा डीप में जा करके ये पूछा जा रहा है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन का अंदाजा तभी लगा पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास 3 बुक है, मैं चाहूँगा कि किसी कोई 3-4 लोग आकर के यहाँ पे ले पाएंगे, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको पाना है। बाकी वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, मैं यहाँ पे मैं गोंडा में अभी पोस्टेड हूँ, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के आसपास के लोग, कई लोग जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, तो मैं उनको बता दूंगा कि कैसे इसको लेना है। हाँ, मैं उन्हीं लोगों को ये बुक दूंगा जो लोग थोड़ा सा सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के। तो अपना नोट्स बनाइएगा, मैं हो सकता है नोट्स जरूर मांगूँ आपके, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोच रहे होंगे कि फ्री में मिल जाएगा, और वो लोग सीरियस भी नहीं है पढ़ाई को लेकर के। तो जो लोग सीरियस हैं उनके नोट्स मैं देखूंगा, अगर उनके नोट्स अच्छे हैं, वो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो मेरे पास 3 बुक है, 3 लोगों को मैं दे दूंगा, बाकी वो लोग आपस में एक्सचेंज करके
एक दूसरे से प्रीवियस ईयर पेपर को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।